और मेरी शक्ल देख के तुम्हें ऐसा लग रहा हूँ आतंकवादी जैसा कहीं तो भगा उड़ो कश्मीर वश्मीर में तो ऐसा छुटके ना भगे करें ऐसे डांडी रख के और बिना नहाए धोए कल बिना नहाया और आज दो बज रहे हैं अभी तक नहीं नहाया तो भाई <laughs> मेरे को जज मत करना मेरे व्लॉग देखने तो नहीं छोड़ एलिस भाई देखो तुम टाइम पे नहाते नहीं हो तो इसलिए गलत इन्फ्लुएंस जा रहा है भाई वापस आ रहा हूँ काम धंधा करके हैं पीछे देखो लैपटॉप रखा है मम्मी वाला खाना रखा है सब चीज़ रखी है तो समझो भाई की हालत देखो कैसी हो रखी है अब मत भेजना रिश्ते छोरी कह गई यार अब किस बात के रिश्ते भेजा तेरे को एलिस तू नहा तो है ना टाइम पे यार मैं नहाता हूँ बस कल कल नहीं आया और आज आधा दिन गुजर गया अभी भी नहीं नहाया अरे इसी मंदा करो पहले तो ठंड भी तो जल्दी लग जाओ मुझे हेल्थ मेरी पूरी तरीके से ठीक है माँ ने कल धरन उठाई थी मेरी उससे भी काफ़ी फर्क है तो भाई अब मैं वापस जा रहा हूँ नोएडा से आ रहा था मैं वापस जा रहा हूँ घर पे घर जाकर सबसे पहला काम मैंने सुबह सुबह वैसे खाने की जगह कुछ खा लिया था कचौड़ी खा ली थी बट अरे चल ले यार जाम लगा रखा माका छो इतने है ना लाल बत्ती पे चल देंगे पर हरी बत्ती <laughs> कोई बात नहीं भैया चल लो थोड़ा सा आप चलोगे थोड़ा सा हम चलेंगे भैया ना ऐसे ही करना चाहिए भाई घर जाऊंगा सब ते पहले जाके नहाऊंगा सबसे पहले घर जाके काम मेरा नहाना उसके अलावा कुछ नहीं तो पहले नहाएंगे और फिर आगे का प्लान करेंगे और आज ना अज्जू भाई के लिए मैंने एक प्रैंक रेडी कर रखा है अज्जू भाई पे करेंगे आज प्रैंक माज कर देंगे अज्जू भाई को टेढ़ा कर देंगे आज तो फिर अभी घर चल के नहाते हैं थोड़ा बहुत खाते हैं और फिर निकलते हैं अज्जू भाई के साथ प्रैंक करने भाई अब बारी अपने नारियल पानी की नारियल पानी बहुत जरूरी है सुबह सुबह बताई देना तुम तो लेना चाहिए वो अलग बात है अब दोपहर हो रही है टाइम देख लो जरा थोड़ा गलत हो रहा है तो एक बार ओ अरे अंकल है अरे कैसा है यार सुबह सुबह छिता मांग रहा अरे मतलब वैसे ही तो चलो जी चलो निकाली नहीं जा रही इस पंजाब नंबर तक कोई ना हम हम निकाल लेंगे Uh, भाई एक छोटा सा प्लान चेंज है घर पे जाके नहाने से पहले मैं सोच रहा हूँ जो मेरी ये डाडी इतनी बड़ी बड़ी और गंदी और घिनौनी हो रखी है ना तो मतलब कोई मेरे को आतंकवादी समझ के एकदम से पकड़ ना ले या फिर जिप्सी में बैठा ले पीसीआर वीसीआर में तो उससे बढ़िया भैया अपने डाडी ठीक करवा के मैं अपने घर पे चले जाऊंगा नॉर्मली तो वैसे भी यार बहुत चुभरी है भगवान कहते हैं लगे जैसे ना पता क्या है बार बार नू नू करते रहो छो चढ़ गए इससे मेरा बी पी हो रहा है मेरी डाडी से आते दाडी और बाल तो मेरे हिसाब से थोड़े बहुत बाल कटवा लूंगा अपने नाई की दुकान पे पहुंचने है, वाले हैं पचास रुपये में अपने सारी चीज सेट करवा के अपने पार मजा आ जाएगा अपन डाडी डूडी कटवा क्योंकि आज ना तो कल कटवानी है मैं कहा संडे है मैं कहा चलो आज ही कटवाते हैं तो डाडी मूछ सेट करवा के फिर जाएंगे घर ये देखिए पिंपल से भी हो गए सारे ठीक करूंगा जड़ी बूटी इकट्ठी लगाऊंगा सब पे और बताऊंगा नहीं कि क्या है भाई बाल कटवा लिए डाडी कटवा ली मालिश करवा ली सरसों का तेल लग रहा है इस टाइम बाड़ू में और ना डाढ़ी कटने के बाद मुझे पता लगा कि मेरी दाढ़ी के नीचे छोटी छुट छोटी कितनी फुंसियाँ थी मतलब कितने पिंपल हो रखे शरीर में कितनी गर्मी बन रखी है तुम्हें तो पता लग गई होगी ये जाएगी कैसे ये नुस्खा भी तो है इसका मेरे पास अभी दो तीन दिन बाद देखना रोज तो लोग आते हैं दो तीन दिन में दिख जाएगा तुम्हें कि ए, वो एकदम सेल्फ भाई तुम्हारा तो चेहरा साफ कैसे हो गया चलो कोई नहीं भाई जो भी है यहाँ से निकल चुके हैं पैसा थोड़े ज़्यादा लग गए इस बार ई एम आई करवा का आया हूँ मैं नाई वाले भाई पे मैं कहा भैया प्लीज़ इतना पैसा तो है नहीं हम पे तो अगले महीने दे पाऊँगा मैं हर महीने करके छोटी छोटी मेरी वो बांधो ई एम आई कह रहा ठीक है अब मैं जा रहा हूँ घर अब मैं किसी पे क्यों नहीं गुस्सा करना संडे वाले दिन तो अब मैं जा रहा हूँ घर मम्मी तो कह दी पानी गर्म करने की कैसा लग रहा हूँ मैं अजीब सा लाल सा कहीं अजीब सा भला ऐसा सा जगह जगह फुर्सी हो रही जगह जगह कुछ हो रहा ये भाई यार मेरे ब्लॉक के बीच में आते हुए तो मैं जा रहा हूँ भाई वापस घर मम्मी तो कह दिया मैंने कि पानी गर्म कर दो सारा सिस्टम अरे चले जा आलू वाले भैया मम्मी तो कह दिया कि मम्मी मेरा पानी गर्म कर दो जल्दी से तो पानी गर्म हो चुका होगा वैसे बहुत देर होली है मम्मी नुकी थी कह रही समोसे ले आई हो अरे मम्मा समोसे नहीं मिले यार क्या करूँ मिल तो गए थे पर मम्मी की गैस ना बढ़ जाए तबियत खराब ना हो जाए इसलिए मैंने खुद ही ना लिए कल देखोगे ब्लॉग में तो पता लगेगा अभी तो झूठ बोल दूंगा अभी अभी लक्षण अर्चित की बुराई चल रही थी कैरी बहुत आराम बालक है okay. बहुत ज्यादा मैं कह रहा हूँ मम्मा मैं अभी बाल दाढ़ी कटवा डाडी कैसा लग रहा हूँ बालक दूध दे दू मुझे भाई <laughs> देखो क्या मस्त लग रहा हूँ मैं यार क्या मस्त लग रहा हूँ अब दोबारा मेरे रिश्ते का टाइम आ चुका है डाडी तुमने मैं कभी वो नहीं देखा मम्मा इन्होंने मेरे को क्लीन शेव भाई कसम क्लीन शेव देख लोगे ना क्लीन शेव देख लोगे फिर फिर दोबारा नहीं देखोगे कभी वापस नुकहोगे आप नुकहोगे मुझे ये वाला टाइम वापस चाहिए जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ जिंदगी का ऐसे कह दोगे क्लीन शेव तो देख ही मत लेना मुझे मजा आ जाएगा छोरियाँ फ़िदा हो जाएगी मेरी जो लाइन पे ओ माय गॉड ठीक है तो भाई बार मैं नहा लेता हूँ तुम्हें चलना है साथ में चलना है आओ मम्मा मैं इनके नहाने जा रहा हूँ ठीक है <laughs> चल भाई आओ कौन कौन सा चल रहा है छोरिया तो पहले करो बाहर हो जाओ बाहर हो जाओ तुम तुम्हारी एंट्री नहीं है मेरे वॉशरूम के अंदर और जगह भी नहीं है यहाँ पर ठीक है ना मैं नहा लेता हूँ प्लीज़ गाइस नहा धो के ऑल से <laughs> और अभी शैम्पू है बाल बाल कटवा गया तो इसलिए थोड़े बिगड़ रखे हैं सामने जड़ी बूटी रखी है बट तुम्हें तो दिखा चलो दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में बट एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है भाई थोड़ी सी सीरियस है मम्मा आप भी सुन लो मतलब आपको तो पता ही है कि जो भाई हमारी हबीबी थी मनीष भाई की गाड़ी थी उस पर स्क्रैच मार दी किसी ने और मैं एक मजाक वजाक उड़ाने के चक्कर में नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ भाई बहुत ही गलत करा मैं बॉग देख रहा हूँ उसमें भाई पूरी राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड तक ऐसे ना वे जान बूझ के ऐसे कुछ चीज़ अरे इतना सा भी क्यों मारना किसी की भी गाड़ी में भाई इतना सा भी स्क्रैच क्यों मारना पूरी ऐसे उधेड़ रखी है उस भाई ने दोबारा पेंट करवाना पड़ेगा उसका खर्चा भी आएगा मतलब जो भी हो हमारा तो वो है सिस्टम हम नू थोड़ी नूं तोड़िए दिल तो मजाक उड़ा रहे हैं बहुत गंदे लगे हमें तो अरे भाई है भाई है, हमारे सारे जत्नी भाई है मनीषी भाई है और ऐसा कुछ ना है कि हम तो अनु कह अभी भी तोड़ देंगे तोड़ ही देंगे अरे वो बेस्ट चले वो भी बोल रहे हैं हम भी बोले ए अरे बोलने की बात नहीं मैं कह रहा हूँ भाई अच्छा भाई ने, ने पेंट करवाना पड़ेगा उसमें भी खर्चा आएगा गाड़ी भी किसी भाई ने लिए नूह है कि भाई अभी भी ले रखी है और हमने पसंद ना है अरे भाई किसी ने हराम के पैसे थोड़ी ले रखी है अपने कमाई के पैसे तो ले रखी है और कमाई के पैसे तो पेंट होएगा तो भाई जिस भी भाई ने ये चीज़ करी है ना बहुत गलत करी है कसम बता रहा हूँ बहुत ही गलत करिए है और ये चीज़ तो मैं बहुत पहले ब्लॉग्स में बोल चुका कि भाई अगर तुम कोई बुरा काम करते हो ना इसी जन्म में तुम्हें मिल भी जाएगा फल उसका कि जो जो तुमने अपने जिंदगी में गलत काम करे जैसे मुझे मिल गई मम्मी मिल गई इसी जन्म में मुझे गलत काम होगा <laughs> तो भाई तुमने भाई जिसने भी भाई की गाड़ी स्क्रैच मारा बहुत गलत है हमारी गाड़ी भी इतना से लग जाना ऐसे जी दुख जावा भाई ने में, कितना और मेरी तो चलो इंश्योरेंस में ठीक होगी भाई के करवाना पड़ेगा उसने तो मतलब दोबारा रिपेंट कराना पड़ेगा कंपनी में तो मोटा खर्चा हमें पता कितना खर्चा आवा तो बहुत गलत चीज़ बहुत ही ज्यादा गलत चीज मेहनत कर रहे हैं गलत चीज़ बहुत गलत चीज़ अब थोड़ी की। ओ, खुशी हो गई अभी तो स्क्रैच लग गया ऐसा कुछ भी नहीं है माँ की कसम ऐसा उस भाई गाड़ी में किसी की भी गाड़ी पे लग जा उस चीज़ का हमें वो ना है कि भाई ओ मजा आ गया ये तो हमारे खिलाफ थे ना चलो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई भाई है सारे कैमरा बंद होती गया ना फोन मैंने खुद फोन करा भाई दोहरा कि भैया ऐसे ऐसे क्या हो गया किसने मार दी चेक करो सब पूरा वो है बल्कि इससे ज्यादा ही भाई भाई चारा है जितना भी हमारा सिस्टम जितना कैमरे कैमरा दिखता है उस पर उससे तो बहुत ज़्यादा है ठीक है तो भैया ये मत काम किया करो बहुत गलत चीजें मनीष तो, तो उठ बैठा आज की है अरे तो वही तो कह रहा हूँ मैं इतने साल हो गए जतिन भी होगा मनीष भी होगा ब्रदर्स और जो बोलते हैं ना इससे मीन करते हैं भाई हम कि हाँ है भाई तो है भाई ठीक है अभी जाऊंगा भी शायद मिलने अगर टाइम लगा थोड़ा सा उस साइड मैं आऊंगा सामने तो टाइम लगा तो मिलेंगे दोनों भाई देखूंगा कितना क्या मार रखा है पर देख के पता लग रहा है बहुत ज्यादा मार रखा है और सिस्टम ना, ना मुंह से थोड़ी बहुत मजाक कर लेड वो कर ले एक ही बात है मजाक करते रहूँ शुरू तो जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है सब सबने पता मनीष ने पता खुद पता अपने आदमी चोट रखे जो वहां पे जाकर स्क्रैच मार के गिरफ्तार करो यही बहुत बुरी है भगवान का देखा ना लोग दिमाग खराब हो गया एकदम हो जाए मारी का लग जा मारी का लग जाओ तो कितना बुरा लगेगा वो तो फिर भी ब्लैक है मारी तो व्हाइट पे

कोई दिक्कत नहीं भाई तुम कर लेना तो मैं मैं नहीं 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 कर पा रहा नहीं, मैं नहीं करूंगा इसने भी इस बड़ा भाई है सारे छोटा क्या हो गया इसमें भाई मैं नहीं कर रहा फिर भी नहीं कर रहा अब ठीक है जड़ी बूटी दिखा दूं अब तो जड़ी बूटी देख लोगे भाई की भैया ये है वो जड़ी बूटी बालों की और इसके अंदर बहुत गलत गलत चीजों का मिक्सचर है नहीं बताऊंगा वो मैं है क्योंकि मैं पता क्यों नहीं बता रहा बताने को बता दूंगा पर कई बार भाई कैसर न कर रहा है कईय को उल्टा रिएक्शन करा तो फिर मैं उसका भुगतान नहीं भरना चाहता कि भाई एल्फिस भाई की वजह से ये सब हो गया एक बार बाल सेट कर लूँ ऐसे लग रहा है हम देखना सेटों होकर कैसे लगे बजा शैम्पू करा था ठीक है उसके बाद बाल कम खड़े होते हैं बट मेरी जड़ी बूटी में थोड़ा जादू ज़्यादा है इसलिए भगवान की जैसे खड़े हुए ठीक है तो अभी एक बार मैं रोटी खा लूँ मम्मी के हाथ की बनी हुई इनको थोड़ा सा होती है कुछ चीज़ें जो मैं नहीं बता सकता सीधा लेट रहा हूँ ठीक है और बता दिया सीधा लेट रहा हूँ और इतनी रोटी आ जाएगी अपने खाकू का जू भाई के निकलेंगे गाइज मुझे माफ़ कर दो भाई मुझे माफ कर दो वो तुम्हें पता है ना मेरी वो शिट गलत चीज़ें दिख गई मैं तुम्हें पता है ना मेरी आदत की जो भी मुझे जहाँ बेड मिलता वहीं पर सो जाता हूँ गलती से मुझे अंदर वाले कमरे का बेड मिल गया आँख मिच गई माँ का सम आँख खुली है रात में साढ़े बहुत लेट हो चुका बहुत लेट हो चुका अब किसी घर भी जाएंगे तुम तो समझेंगे चोर आ गई है ना में रहा था था। जो मेरी मम्मी की सीट पे सो गया मैं बेचारी कैसे सो पाई कोई बात नहीं अपने घर पे भी रहना चाहिए कभी कभी बहुत अजीब लग रहा है गाइस मुझे पे हाँ पे रुक के घर ऐसा लग रहा है कि बहुत नई दुनिया में आ चुका <laughs> इसको तो अरे मेरे ये कैसे छोटी छोटी फुंसी सी हो गई इसको एक बार मैं ठीक कर देता तो हूँ यार वो एक्चुअली क्या है ना रशिया में फाइट चल रही है अच्छा। तो उसके चक्कर में रशियंस क्या है ना वो मैंने सारी बुला ली अच्छा। तो उसके चक्कर में ये हो गया

भिंडी और भुड़ता बना रखे हैं खाने वाले घर तो में भी तीन भी है।, है और सब्जियां बना रखी है दो दो बहुत मुझे तो इस, <laughs> इस, में में इस चीज करूँ बी से भिंडी बीस में, में बहुत आसान है क्या चले जाए तो मुश्किल ना बनाऊ तो मुश्किल बना दे है ना मम्मी के बेड पे सो गए सिर में दर्द हो गया अबे गद्दा इतन, इतन, इतना मोटा हो चुका है ये गद्दा जैसे मेरा ऐसे है ऐसे गद्दा मम्मी का गद्दा पता कैसे है भाई अंदर भी भी जा, 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 जा कमर अंदर घुस गई गद्दे के यार बहुत खुशी की बात समझ रही है अपने जिम में जाएगा भैंस सत्तर किलो वजन सत्तर किलो वजन सत्तर किलो वजन की ना बेंच प्रेस मारेगा ना कहीं तुम्हारी भी ना जा मेरे में भी पिछहत्तर है वैसे तो मेरे में अस्सी होगा होगा था जब मैं जिम जाया करता ठीक है सारी ना सारी नजर लगवा दी कोई नहीं गाइस एक बार खाना खा लेते फिर आगे ले ले। दिखा भाई मम्मी रोटी ले गई ये देख लो भिंडी और भुरता और रोटी रोटी पुरानी पोख है दर्दी अरे सुन तुनों तो कह रही अभी कि मैं कह रहा मम्मी अभी ना मेरे को धरण मेरी ठीक ना हुई ना तो मम्मी कह रही यहाँ तो दो तीन दिन में ठीक हुई कल घाटा जाके उठवाया आई हो और वहीं पर खाना खा लियो

ताजा मिल जाएगा तो बात ही अलग हो जाएगी हाँ। कोई दिक्कत ना है अभी फ्रिज में ना चॉकलेट रखी थी एक छोटी सी बहुत छोटी चॉकलेट थी वैसे बहुत सारी थी बट वो अलग सी रखी थी ये देख, देख लो पहले इसको देख लो शक्ल नहीं दिखा पा रही क्योंकि दिखाने लायक नहीं है रोटी पो उधर मैंने चॉकलेट ना उठा ली आवाज आ गई ऐसी पन, पन्नी आवाज की आवाज आई करे ना कि ऐसी आवाज है पन्नी उठाए करे एकदम ते तो एकदम पीछे पलटी कह रही रख दे ना इसको रोटी खा लेना अपनी चॉकलेट बचाने के लिए इसे षड्यंत्र रच दिया यार

गाइस दोबारा ऑफर चालू हो चुका है डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है अगर किसी की मम्मी मुझे गोद लेना चाहती है तो वाई नॉट आई एम अवेलेबल ये देख लो छः फुट एक इंच का लॉन्ट फॉर्म डालता ही नहीं मैं कह रही कोई आया भर के ओ दुनिया भर की मम्मी आ रही है ठीक है ना कमेंट कर देना मम, मम्मी हो एक बार कि आप मुझे गोद लेना चाहते हो ज़्यादा मत ना बोले डिमांड बहुत है ठीक है ना छोरे की आई बडी आँख निकाल लूँ हाँ ची मैं झीलते hmm. आ तो रहा है उस दिन मां बैठे टोयट शोरूम में तो अजू ते अजू तो मैं कह रहा हूं माँ अज्जू भाई मैं ना वल्चर हुआ यार अजू कराई <laughs> तो अर्चित कह रहा वल्चर क्या होता भाई कर <laughs> मैं कह रहा वल्चर रहे वह चील रहे भाई उन्होंने कहा पता मैं हम सिका मैं कह रहा, रहा? वही रह चील बड़ी मैं कहा बड़ी चील ना रहा भाई वो अलग रहा, रहा है कहा हाँ वही मैं कहा वो रह गिद्ध कह रहा हाँ बड़ी झील तेने पता ही हो मुझे कभी-कभी लगता है मेरी मम्मी अज्जू है और अज्जू मेरी मम्मी है अज्जू की और मेरी भी आदत सेम ब... सेम है वैसे <laughs> कति गलत चीज है तो भाई ब्लॉग को करते खत्म मैं खाना खा लेता हूँ ठंडा हो रहा अरे के तू बोल ले बीच में ला <laughs> तो वो भी बोलने का मैं हंस जाता हूं मैं बोलूं कम हंस जाता हूं और अच्छी बात है ना <laughs> तो गाइस ब्लॉग को करते हैं बाल देख लो अपने भाई के सेट एकदम है ना जड़ी बूटी बताएंगे अगर अपने रिस्क पे लगाना चाहोगे तो मेरे को कमेंट करके बता देना कैलीस भाई प्लीज बना है ना किसी की स्किन कैसी रहा है फिर भी कमेंट करके बता देना तो मैं बता पाऊंगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब गाइज बाय